भाजपा घबराहट में आ गई है। सच मेरे यार है, बस यही प्यार है, जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है। नमस्कार दोस्तों, न्यूज क्लिक वेबसाइट के कई लेखकों और पत्रकारों के घर आज सुबह लगभग 100 ठिकानों पर छापेमारी हुई। इस छापेमारी के बाद न्यूज क्लिक के पत्रकार अभिसार शर्मा सहित कई पत्रकारों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा तमाम पत्रकारों के फोन और लैपटॉप भी जब्त किए गए। साथ ही स्पेशल सेल ने कुछ दस्तावेज भी जब्त किए। इतना नहीं, UAPA के तहत केस भी दर्ज किया गया, जिसके बाद न्यूज क्लिक के कुछ पत्रकारों को हिरासत में लिया गया। हालांकि अब ऐसी खबर सामने आ रही की कई घंटों की पूछताछ के बाद न्यूज क्लिक के पत्रकार अभिसार शर्मा पुलिस स्टेशन से बाहर आ गए हैं। कैमरे पे नहीं बात करूंगा। सर, कुछ कहना आपको? अरे अभिसार, डू यू वांट टू से समथिंग? अभिसार, डू यू वांट टू से समथिंग? क्या कहना चाहते हैं आप? अभिसार, कितनी देर आप क्वेश्चन, व्हाट डू यू हैव टू से? अभिसार, लेकिन न्यूज क्लिक पर छापेमारी और उन पत्रकारों को हिरासत में लिए जाने की इंडिया गठबंधन ने कड़ी निंदा की है। कड़ी निंदा करते हुए इंडिया गठबंधन ने एक सामूहिक स्टेटमेंट जारी किया है। इंडिया गठबंधन ने जो सामूहिक स्टेटमेंट जारी किया है, उसमें कहा है कि इंडिया की तमाम पार्टियां मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी सरकार के ताजा हमले की कड़ी निंदा करती हैं। हम दृढ़ता से मीडिया के साथ और भाषण और अभिव्यक्ति की संवैधानिक रूप से संरक्षित स्वतंत्रता के लिए खड़े हैं। सामूहिक बयान में आगे कहा गया है कि पिछले 9 वर्षों में भाजपा सरकार ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, न्यूज लॉन्ड्री, दैनिक भास्कर, भारत समाचार, द कश्मीर वाला, द वायर आदि और हाल ही में पत्रकारों को दबाने के लिए जांच एजेंसियों को तैनात करके मीडिया पर जानबूझकर अत्याचार और दमन किया है। न्यूज क्लिक भाजपा सरकार ने पूंजीपतियों द्वारा मीडिया संगठनों पर कब्जा करने की सुविधा देकर मीडिया को अपने पक्षपातपूर्ण और वैचारिक हितों के लिए मुखपत्र में बदलने की भी कोशिश की है। सरकार और उसके विचारधारा से जुड़े संगठनों दोनों ने सत्ता के सामने सच बोलने वाले व्यक्तिगत पत्रकारों के खिलाफ प्रतिशोध का सहारा लिया है। इसके अलावा भाजपा सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 जैसी प्रतिगामी नीतियों का भी नेतृत्व किया है, जो मीडिया को निष्पक्ष रूप से रिपोर्टिंग करने से रोकती है। ऐसा करके भाजपा न केवल भारत के लोगों से अपनी चूक और कमीशन के पापों को छिपा रही है, यह एक परिपक्व लोकतंत्र के रूप में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा से भी समझौता कर रहा है। इंडिया गठबंधन ने अपने सामूहिक बयान में कहा कि भाजपा सरकार की जबरदस्त कार्रवाइयां हमेशा केवल उन मीडिया संगठनों और पत्रकारों के खिलाफ होती है जो सत्ता के लिए सच बोलते हैं। विडंबना यह है कि जब देश में नफरत और विभाजन को भड़काने वाले पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात आती है तो भाजपा सरकार पंगु हो जाती है। राष्ट्रीय हित में भाजपा सरकार के लिए यह उचित होगा कि वह राष्ट्र और लोगों की चिंता के वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करे और अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए मीडिया पर हमला करना बंद करे। वहीं न्यूज क्लिक पर छापेमारी को लेकर सपा के मुखिया एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरते हुए बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा कि छापे हारती हुई भाजपा की निशानी है, ये कोई नई बात नहीं है। ईमानदार खबर बीसों पर भाजपाई हुक्मरानों ने हमेशा डाले हैं छापे, लेकिन सरकारी प्रचार प्रसार के नाम पर कितने करोड़ हर महीने मित्र चैनलों को दिए जा रहे हैं, ये भी तो कोई छापे। वहीं इसको लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार बताया है। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर बहुत बड़ा प्रहार है पत्रकारिता के खिलाफ। चीन हमारे देश में घुसपैठ कर रहा है, मोदी जी चुप्पी साधे हुए हैं, हिम्मत नहीं मोदी जी की कुछ बोल दें, क्योंकि चीन के व्यापारियों ने अडानी की कंपनी में
निवेश कर रखा है। वहीं छापेमारी को लेकर लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने भी हमला बोलते हुए कहा कि किसी ने सच ही कहा है कि तानाशाह डरपोक होता है। राष्ट्रीय जनता दल ने ट्विटर पर लिखा कि चैनल के मालिकों की कमाई के बहाने पत्रकारों पर हमला क्वेश्चन मार्क, जाति जनगणना की झुंझलाहट कहीं तो निकलेगी, किसी ने सच ही कहा था तानाशाह डरपोक होता है। वहीं छापेमारी को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि लगता है कि तानाशाही आ चुकी है। न्यूज क्लिक से जुड़े विभिन्न परिसरों पर हुई छापेमारी पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि लगता है कि तानाशाही आ चुकी है। मीडिया की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि आर्थिक सामाजिक रूप से भी अंकुश लगाया जा रहा है। अगर कोई पत्रकार बाहर निकलकर स्वतंत्र रूप से बोलेगा तो उसे गिरफ्तार करेंगे और इस तरह करेंगे कि जल्दी जमानत भी नहीं मिलेगी। आने वाले चुनाव से पहले भाजपा सभी पत्रकारों को संदेश दे रही है। प्रमोद तिवारी का कहना है कि हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और लड़ते रहेंगे, लेकिन उसकी आड़ में अगर पत्रकारों को झूठा फंसाया जाएगा तो हम उसके साथ खड़े हैं। वहीं छापेमारी को लेकर आरजेडी के नेता एवं सांसद मनोज झा ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मनोज झा का कहना है कि यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है, आप उन्हें दिल्ली पुलिस क्यों कर रहे हैं, वे HM यानी अमित शाह के अधीन है और कुछ भी नहीं होता उनकी सहमति के बिना। जो लोग उनकी यानी भाजपा मंडल मंडली में शामिल होने से इनकार करते हैं वे इनके खिलाफ ऐसा करते हैं। मनोज झा का कहना है कि वे इन सब से क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये घटना इतिहास में लिखी जाएगी और सरकार का यह कदम उन्हें भारी पड़ेगा। वहीं कांग्रेस की नेत्री एवं प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस छापेमारी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए कहा कि सवाल पूछने वालों से तो प्रधानमंत्री को खास दिक्कत है। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि चरण चुंबकों की फौज के बावजूद कुछ पत्रकार अभी भी सच बोलने की हिमाकत करते हैं, पर सच बोलने वालों से सवाल पूछने वालों से तो प्रधानमंत्री को खास दिक्कत है, तो उनको रेड किया जाएगा, डराया धमकाया जाएगा, पर साहेब भूल जाते हैं चरण चुंबकों की रीढ़ की हड्डी गायब है, सबकी नहीं। वहीं इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने कहा कि लोकतंत्र में पत्रकार कब से राज्य के दुश्मन बन गए। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूज क्लिक वेबसाइट से जुड़े कई पत्रकारों लेखकों के घरों पर छापेमारी की, मोबाइल और लैपटॉप ले गए, पूछताछ जारी है, अभी तक कोई वारंट FIR नहीं दिखाया गया। लोकतंत्र में पत्रकार कब से राज्य के दुश्मन बन गए। बता दें NCR में न्यूज क्लिक वेबसाइट के पत्रकारों के ठिकानों पर रेड डालने के बाद न्यूज क्लिक के दफ्तर को भी सील कर दिया गया है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई फॉरेन फंडिंग के मामले में UAPA के तहत की जा रही है। खबरों के मुताबिक दिल्ली पुलिस UAPA और अन्य धाराओं के तहत न्यूज क्लिक से जुड़े विभिन्न परिसरों पर रेड की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। बता दें कि इससे पहले 10 तारीख को यानी 10 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि न्यूज क्लिक एक वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा है जिसे अमेरिकी अरबपति नेविल राय सिंघम से फंडिंग मिलती है। यह भी कहा जाता है कि सिंघम का चीनी सरकार की मीडिया मशीन के साथ घनिष्ठ संबंध है।